प्रिय अभिभावक नमस्कार। आज के इस कंपटीशन के दौर में सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को पहले स्थान पर देखना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या खेलकूद। इसके लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, उनके खाने पीने का पूरा ध्यान देते हैं, पूरे दिन उनके लिए एक बिजी शेड्यूल बना के रखते हैं। पर इस ज़माने में भी हम एक चीज़ भूल रहे हैं, वो है हेल्दी एनवायरनमेंट बच्चों के लिए और माँ की तरफ से शिक्षाप्रद कहानियाँ। सिर्फ एक अच्छा खाना खिलाने से आपका बच्चा एक जिम्मेदार इंसान नहीं बन जाएगा, आप उसे धीरे धीरे कंफर्ट जोन की तरफ डाल रहे हैं और इस कंफर्ट जोन का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है मोबाइल फ़ोन। बच्चे टीनेजर्स नहीं स्क्रीनेजर्स होते जा रहे हैं। मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे मोबाइल फ़ोन दीजिए, मैं बाहर खेलने नहीं जाऊंगा, मुझे मोबाइल फ़ोन दीजिए। और इस लॉकडाउन के समय ये सुनना आम है बच्चों की तरफ से कि आप भी तो पूरे दिन फ़ोन देख रहे हैं, फिर मैं क्यों नहीं। तो ज़रा सोचिए आपका बच्चा किस ओर जा रहा है। ये बहुत ही कीमती समय है, जो समय आप अपने बच्चों को अपने परिवार को दे सकते हैं। थोड़ा बहुत मोबाइल फ़ोन और टीवी के अंदर कटौती कर आप अपने परिवार को समय दें। मैं यकीन दिलाती हूँ आपको कि रात को खाना खाने के बाद में एक घंटा बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं, कुछ शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाइए, मोटिवेशनल स्पीच दीजिए बच्चों को। 3 से 10 साल का जो बच्चा होता है उसमें बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन पावर होता है, उन्हें आप शिक्षाप्रद कहानियाँ सुना सकते हैं, मोटिवेशनल कहानियाँ सुना सकते हैं, भजन सिखा सकते हैं। 10 से 12 साल के जो ऊपर के बच्चे हैं उनके साथ में आप दोस्त बन के रहिए, आपका जो फैसला है वो उनके ऊपर थोपे नहीं, उनकी प्रॉब्लम आप सुने फिर आप उन्हें सुझाव दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मेरा जो ये छोटा सा सुझाव है अगर आप अपनाएंगे तो आपकी जो कंप्लेन है कि बच्चा पूरे दिन फ़ोन के अंदर घुसा रहता है, हमारे पास में बैठता नहीं है, हमें वक्त नहीं देता, तो वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। मैं आशा करती हूँ आप मेरे इस बात को पॉजिटिव लेंगे। मैं कोमल शेखावत, KKC इंटरनेशनल स्कूल, सरदारशहर।